नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि अनंत डोरी में 14 गांठ क्यों बांधी जाती है, आखिर क्या है अनंत में बंधी 14 गांठों का राज। दरअसल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुमकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठ होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। ये व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता है। हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर जिस पर कोई भी पवित्र विष्णु मंत्र पढ़ा गया हो, व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। यदि हरि अनंत हैं, तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि व्रत 14 वर्षों तक किए जाएं तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है, उसमें उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि माध्यान्ह तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसा कि इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि ये दिन उस अंत ना होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर्व, जानिए कैसे करें व्रत और पूजन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही नाम है। यही कारण है कि इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन प्राय किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत में अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक मानी गई है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। आइए जानें कैसे करें पूजन। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाए हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। ये डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। ये व्रत धन पुत्र आदि की कामना से भी किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। इस मंत्र से बांधें अनंत की डोरी। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए व्रती को सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का पूजन किसी भी नदी सरोवर के किनारे करने का विधान बताया गया है। अगर ऐसा ना हो तो घर में पूजा गृह के पास पूजा गृह में कलश स्थापित करें और शेष नाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। उसके बाद 14 गांठों से बंधा हुआ डोरा यानी सूत्र रखें। उसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र को षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद अनंत सूत्र का मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ पर और स्त्री अपने बाएं हाथ पर बांध लें। अनंत सूत्र का मंत्र इस प्रकार है।
पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने, क्योंकि माना जाता है कि बिना कथा पढ़े व्रत संपूर्ण नहीं होता और उसका फल नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही। आप हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।